हाँ तो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास सिक्स का वने वने निवसंतु वृक्षा, संस्कृत का जो है ना षष्ठ पाठ का। तो वने वने मतलब वन वन में बसते हैं वृक्ष। वने वने निवसंतु वृक्षा, वन वन में बसते हैं वृक्ष। वनम वनम रचयिता वृक्ष, और वन वन में रचते हैं पूरा पेड़। शाखा दोलना विहगा, तय किमपि कुजंति वृक्षा। जब पक्षी शाखा में मतलब डालियों में बैठते हैं तो डालियां झूलने लगते हैं। पिबंती पवनम जलम संततम, साधुजना इव सर्वे वृक्षा। जब हवा बादल को ले आता है तो क्या वर्षा के रूप में गिरता है, और साधुजना को वृक्ष सब भी तपस्या करते हैं पेड़ के नीचे ही। अस्पृशन्ति पादे पातालम च नभ शिरस्य विहन्ति वृक्षा। और आकाश से जब हवा आती है तो नभ चारों ओर क्या शिरो शिर विहन्ति वृक्षा, और पत्ते नए नए कोमल आ जाते हैं पेड़ों में धीरे धीरे। पयोदर्पणे स्व प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यति वृक्षा। और नदी के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं उसका छाया भी क्या है नदी में, पेड़ पौधे का छाया नदी में आता है। प्रसार्य स्वच्छ या संतरम कुर्वंती सत्कारम वृक्षा। और पेड़ पौधे के जंगल में क्या है बहुत सारे जानवर भी अपना रहने का स्थान आवास रहता है। तो देखिए पहला प्रश्न अभ्यास में क्या है, पदानि बोधत मतलब दिया हुआ है उसका हिंदी में नहीं। वने वने मतलब प्रत्येक वन में, निवसंत मतलब रहते हुए, रचयंती मतलब रचते हुए, शाखा मतलब डालियां, दोला मतलब झूला, आसीना मतलब बैठे हुए, विहगा मतलब पक्षीगण, किमपि मतलब कुछ भी, कुजंती मतलब झकते हैं, संततम मतलब निरंतर, साधुजना मतलब सज्जन, युवा मतलब की तरह, पिबंती मतलब पीते हैं, अस्पृशन्ति मतलब स्पर्श करते हैं, नभ मतलब आकाश को, शिरसु मतलब सिर पर, वहन्ति मतलब ढोते हैं, पयोदर्पण्य मतलब जल दर्पण में, स्व प्रतिबिंबम मतलब अपनी छाया को, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, कौतुकेन मतलब आश्चर्य से, प्रचार मतलब प्रसार्य मतलब फैलाकर, स्वच्छाया मतलब अपनी छाया, संस्तरम मतलब बिस्तर को, सत्कारम मतलब आदर, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। पहला और दूसरा प्रश्न को हम लोग अभी देखेंगे। पहला हो गया, दूसरा तीसरा अभी बनाएंगे। कोष्टकेषु परदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। तो क्या उदाहरण को देखते हुए बनाना है। अहम रोटिका खादामि, है ना, तो रोटिका को यहाँ रोटिका लिखा हुआ है तो रोटिका को यहाँ हलन दे देना है या फिर बिंदु। तू हम खाली स्थान पिबसी तो जलम पिबसी, है ना, बिंदु देते जाना है। छात्र खाली स्थानम पश्यति मतलब दूरदर्शनम पश्यति, तो दूरदर्शन दे के बिंदु दे देना है ना। म में हलन दीजिए या फिर बिंदु दीजिए, एक ही बात है। वृक्षा खाली स्थानम पिबंती तो पवन है तो पवनम हो जाएगा। ता खाली स्थानम लिखंती तो कथा है तो कथाम हो जाएगा, यहाँ बिंदु हो जाएगा है ना, कथाम। आवाम खाली स्थानम गच्छाओ, जंतुशाला है तो जंतुशालाम हो जाएगा, यहाँ बिंदु लास्ट में लगा देना है। तीसरा में देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चुनित, कर्तृपदानि मतलब क्रियापद को चुनना है ना। वृक्षा नभ शिरस्य विहन्ति तो वृक्षा हो गया। खमे है विहगा वृक्षेषु कुज्जन्ति, कुज्जन्ति तो विहगा हो जाएगा। पयोदर्पणे वृक्षा स्व प्रतिबिंबम पश्यति तो वृक्षा यहाँ हो जाएगा। कृषका अग्निनानि उत्पादयक्ति तो कृषि का हो जाएगा, कृषक। सरोवरे मत्स्य संति तो सरोवर में मत्स्य, तो मत्स्य इसमें अंडरलाइन कर देना है, मतलब ये सब लिख देना है। तो आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।